नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में संपूर्ण क्रांति दिवस पर भारत सरकार से जातीय जनगणना की मांग और नई शिक्षा नीति और बेकाबू महंगाई के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। समाहरणालय के दक्षिणी द्वार पर आयोजित धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। इस मौके पर आरजेडी के महानगर अध्यक्ष शिवजी महतो ने बताया कि आज का धरना प्रदर्शन जातीय जनगणना की मांग, नई शिक्षा नीति व बेकाबू महंगाई के खिलाफ आयोजित की गई है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। शिवजी महतो ने बताया कि आज पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शिवाजी महतो ने बताया कि चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है, उसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। आने वाले चुनाव में बीजेपी की करारी हार होगी और उसे एक भी सीट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के द्वारा बिहार में ढोंगी बाबा को बुलाकर नाटक करने का काम किया गया। उन्होंने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर कहा कि हम इसका विरोध करते हैं, क्योंकि देश की आज़ादी में सभी तबके, सभी वर्ग के लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई है। पूरे बिहार में आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। ये मांग आज का धरना कार्यक्रम का सबसे पहला नंबर जो है नई शिक्षा नीति के विरोध में, महंगाई के विरोध में, जनगणना के कराने के समर्थन में हम लोग आए हुए हैं। यही सभी मांगों के लेकर के आज पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन है, जिसमें आज हमारे बेगूसराय जिला अधिकारी के मुख्यालय गेट पर जिला युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष फैजुर रहमान के अध्यक्षता में धरना कार्यक्रम चल रहे थे। राकेश यादव कौन हुए? राकेश यादव ये हुए आपको प्रदेश महासचिव, जो कि बछवाड़ा से हैं, युवा के हैं। हाँ, युवा का प्रदेश महासचिव हैं। तो आपको क्या निर्देश आया है प्रदेश से, किस तरह का धरना दिया जाएगा, किनको घेरा जाएगा इस धरना के माध्यम से, कुछ जानकारी? धरना के माध्यम से हमको जनता को जागृत करना है कि आप किस बिंदु पर धरना पर बैठे हैं। तो आपको बता ही दिए, नई शिक्षा नीति के विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं। जो नई शिक्षा नीति, ऐसा नीति चला बिहार में, जो शिक्षा नीति पर जो निकाला है नया आदेश, उस पर बहुत से शिक्षक अभी भी अपने मांग पर अड़े हुए हैं। तो मांग पर अड़े हुए हैं जो उस पर, तो मान लीजिए BPSC के द्वारा किया जा रहा है, और मान लीजिए यदि शिक्षकों की मांग है तो जब फिर विचार होगा और सभी मांग पूरा किया जाएगा। क्या आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी तैयारी जोर शोर से चल रही है महागठबंधन के? जोर शोर से चल रही है। महागठबंधन की जीत पूरे बिहार में लहर दौड़ गई है। बीजेपी एक भी सीट यहाँ जीतने के लिए नहीं जा रही है, जिसके कारण कुछ ढोंगी बाबा को ला करके बिहार में जो है वे नाटक ड्रामा करवा करके हिंदुओं के तिरस्कृत करना चाहते हैं। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र का घोषणा हो रहा है सभी जगह, ऐसा आप किस तरह देख रहे हैं? हम इसका विरोध कर रहे हैं। देश के आज़ादी में सभी वर्ग के लोगों ने बलिदान दिया है, खून बहाया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका यहाँ रहने का अधिकार है। हिंदू राष्ट्र खाली कर देने से नहीं होगा, कर दें, उनको अभी हिम्मत है तो कर दें। अभी तो प्रबल बहुमत में है, अपार बहुमत में है, बोलने से क्या होगा, कर दें, करके दिखावे। पहले निर्णय होगा, जो उम्मीदवार भेजा जाएगा हम लोग उनको तन मन धन से उनको जिताने का काम करेंगे। जदयू के मुस्लिम लीडर कहे जाने वाले वो इस्तीफा दे दिए हैं, क्या लगता है कि वो बेगूसराय से लड़ेंगे तो किनको फायदा होगा? अरे वो अपने स्वार्थ में दिए होंगे, जबकि उन्होंने जदयू का उम्मीदवार यहाँ रहे हैं और बेगूसराय की जनता, खास करके गरीब दलित महादलित अल्पसंख्यक को मिल करके, हर भेदभाव को छोड़ करके उनको जिताने का काम किया गया बेगूसराय संसदीय लोकसभा से, और आज वो इस्तीफा दे दिए। हो सकता है कि उनको कहीं बीजेपी तरफ से लोक प्रलोभन दिया गया होगा, क्योंकि अनेक तरह के हथकंडा अपना रहे हैं, जान रहे हैं बीजेपी। आज हिंदुस्तान में 18 राज्य में बीजेपी सफाया हो चुकी है। वी टाइम न्यूज़ के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।